से है, हम तीन लोग हैं और हमारा बिल्कुल समर्थन भाई नरेंद्र जी को हम लोगों ने अभी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस में तब भाई जी के साथ, पहले तो नाम तो सब लोग जानते हैं क्योंकि पत्रकार वो लोग हैं, उनको हमने मीडिया अवार्ड लीडर में सम्मानित किए थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तो तब तक का संपर्क उस दिन हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो हम सब लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे हो चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे कहीं भी हो, सब लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग इसी क्षेत्र सांबादिक लोगों के लिए और समाज पत्र के लिए कई दशंधि से हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। मैं ये जो 10 मुद्दे इशूज वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संघ ने उठाया, ये हम सब लोगों का अंदर का आवाज है, हम सब इसको झेल रहे हैं सब लोग, लेकिन बहुत सारे फोरम से जिसके माध्यम में जब मिलता है हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी उससे दो मुद्दे पे मैं बात करूंगा, पहला है पत्रकार का सुरक्षा, क्योंकि वो सबसे अहम मुद्दा है। हर साल जर्नलिस्ट आर बीइंग किल्ड, आइदर दे आर बीइंग किल्ड और बीइंग अटैक्ड एवरी डे, तो इश्यूज आर बीइंग राइज, तो उसके लिए कोई कानून नहीं, कानून है लेकिन राज्य स्तरों पर, लेकिन देयर मस्ट बी ए लॉ रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट थ्रू लेजिस्लेशन इन द पार्लियामेंट सो दैट एवरी जर्नलिस्ट को बी प्रोटेक्टेड। ये जो राज्य बना देते हैं या कोई मतलब दूसरे स्तर पर बनता है उसमें कोई एक ये नहीं होता है ठोस मतलब जो सुरक्षा, क्योंकि पत्रकार लोग सब बिल्कुल उनका जो जिंदगी बिल्कुल असुरक्षित है। तो पहले भाई एक कहावत है, जान है तो जहान है, तो बच्चे के तो काम करेंगे तो पत्रकार लोग रहेंगे तो पेपर रहेगा, न्यूज़पेपर रहेगा, लोग पढ़ेंगे, जब हम नहीं बचेंगे तो फिर काम की पत्रकार कैसे वो छापेंगे, कैसे लोगों के पास पहुंचेगा कैसे, तो ये पहला है कि सुरक्षा। अच्छा दूसरा बात है, अभी हम पिछले एक दो साल से झेल रहे हैं सब लोग, हम स्मॉल मीडियम ये से आते हैं, संपादकीय पेपर चलाते हैं, ये जो पॉइंट्स वगैरह DEBP ने किया जो विज्ञापन के लिए, जब एक स्मॉल मीडियम पेपर न्यूज पेपर वाले वो पेपर नहीं खरीद कर पाता है, उनको विज्ञापन नहीं मिलता है, वो अगस्त 15 जनवरी 26 में विज्ञापन मिलता था, वो भी 4 साल से बंद हुआ था, अभी दिए हैं, तो कहाँ से पेपर कहाँ से चलाएंगे, लोगों को पैसा कहाँ से देंगे, एक ग्रेडेशन पॉइंट कर दिया, प्रोविडेंट फंड दो, तो प्रोविडेंट फंड कहाँ चलाएंगे, और महीने 15 तारीख को प्रोविडेंट फंड जमा करना है, एजेंसी लोग तो एजेंसी कह रहे हमारा पास इतना पत्रकार लोग हैं उनका न्यूज़ फोटोज वगैरह हम नहीं छाप पाते हैं, तो एजेंसी को कहाँ से महीने से 5,000 रुपया देंगे, वो कंपलसरी है 10 पॉइंट 12 पॉइंट, तो ये बहुत बड़ा मतलब समस्या है। फिर उसके बाद GST लगा दिया, GST में आप क्या करोगे, विज्ञापन में आप 5% दो, स्मॉल मीडियम पेपर को तो कोई विज्ञापन देता नहीं, जो देता है 1,000 रुपये देता है, 1,000 से आपको 5% 15 तारीख को 20 तारीख को जमा करना है, प्रिंटिंग रेट बढ़ गया, काली में वो इंक में 5% GST है, जहाँ छापते हैं वहाँ भी 5% GST है, पेपर में हर महीने GST लगने से पहले जो फ्रंट पेपर 45-40 रुपये में मिलता है, आजकल मिलता है, हर महीने एप्लीकेशन का हाइक होता है, तो 4-5 रुपया बढ़ जाता है। जो GST तो पहला मुद्दा है कि पत्रकार का सुरक्षा और GST ये जो पॉइंट्स वगैरह हटाना, अगर हटेगा तो अखबार रहेगा पत्रकार रहेंगे, और जो सारे जो वाइट बोर्ड वगैरह ये तो सब जेन्युइन है, ये सब ये एक दिन से नहीं होगा, इसके लिए हम सब लोगों को एक मिल के संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन बात ये दुख का विषय ये है हम लोग सब लोगों का समाधान करते हैं लेकिन हमारा समाधान नहीं हो पाता है, नदी है ये बात है, हम लोग अपना अपना क्षेत्र में सब हम जो सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कोई हम किसी ना किसी का समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए तो लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन हमारा समाधान कभी समाधान नहीं होता है, क्यों इसके ऊपर हम सब लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, क्यों हम लोगों का नहीं हो पाता, हम लोगों का किसके साथ बैठना उठना नहीं है,
वो मंत्री वगैरह हम लोग के पास आते हैं, एमपी एमएलए सब लोग हमारा पास आते हैं उनके काम के लिए, फोटो छापने के लिए, उनका न्यूज़पेपर, उनका जो प्रेस नोट हम ही लोगों ने बनाएंगे, वो बाइट देंगे पढ़ेंगे। इवन इफ बहुत सारे मतलब उनका समस्या हम लोग समाधान करते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट से जुडिशियल लोग छिप के हम लोगों का मदद लेते हैं, क्योंकि उनका कुछ समस्या है वो खुले हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन समस्या लेते हैं हम लोगों का। नहीं तो चार जज सुप्रीम कोर्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? अगर हम लोगों का मदद नहीं लेते हैं चारों जज, अभी वो चीज तो शिक्षक हो गई, हम लोगों का मदद क्यों लिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों पड़ा? सब हम लोगों का मदद लेते हैं, अपना समाधान होता है, वो काम करवाते हैं, करवाते हैं हम लोगों का, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा समाधान नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक नहीं, हम लोगों का विचार अलग अलग, विचार तो अलग अलग होगा, लेकिन ये जो 10 मुद्दे वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का 10 मुद्दे इन्होंने भाई नरेंद्र भाई ने कई दिनों से हर मतलब माध्यम से सब लोग, ये तो सब हम लोगों का अंदर का, हम तो मतलब इसको अनुभव कर रहे हैं रोज, कोई भी एक मुद्दा का समाधान नहीं हो पाता, वो लोग नहीं करते। तो दो मैं सब जो मंच के ऊपर या मंचासीन या मीडिया बंधु सबसे मेरा अनुरोध है कि पहला तो है सुरक्षा, एक पत्रकार को सुरक्षा, आप जिसके बारे में लिखोगे वो चाहे वो आपको धमकाएगा या मार भी देते हैं आजकल, दूसरा बात है कि जो पॉइंट्स वगैरह जो डीएवीपी ने बनाया, जीएसटी वगैरह, जीएसटी को तुरंत हटाना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब स्मॉल मीडियम तो भाई नरेंद्र भाई मतलब बचेंगे नहीं। इसमें दो मेरे मित्र लोग जो स्मॉल मीडियम चला रहे होंगे, हम दो पेपर चलाते हैं, दो डेली पेपर, स्मॉल और मीडियम का दो डेली पेपर 20-30 साल से चलाते हैं, 5 साल से 6 साल से स्मॉल पेपर चलाते हैं, तो हम चलाते हैं बड़ा संघर्ष करके, परिवार सबको इग्नोर करके, सबको इग्नोर करना पड़ता है, चलाते हैं, क्योंकि ये पैसन है हम लोगों का, सब लोग का, मेरे जो साथी जो लोग हम तो इसीलिए ये सब हम लोगों को, मैं बिल्कुल फिर पुनः आप लोगों को धन्यवाद दूंगी।